हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मिस शैरन रोशन, टीचर फ्रॉम ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल. सो टुडे विल बी लर्निंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. टुडे विल बी लर्निंग सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट. सो व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट? सो द रूल ऑफ द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज दैट सिंगुलर सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट नीड्स अ प्लूरल वर्ब. सिंगुलर सब्जेक्ट को क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब. एंड प्लूरल सब्जेक्ट जो है उसको लगता है प्लूरल वर्ब. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड. अ चाइल्ड लाइक्स चॉकलेट. चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट. आई एम एन इंडियन. वी आर इंडियंस. सुरेश प्लेज फुटबॉल एवरी इवनिंग. सुरेश एंड अली प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग. सो देखो, अपार्ट फ्रॉम द मेन रूल मेंशन अबाव, देर आर फ्यू मोर रूल्स अकॉर्डिंग टू विच सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स अग्री. बहुत सारे रूल्स हैं जिसके साथ सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स जो है वो अग्री करते हैं. जैसे कि रूल यहाँ पे दिए गए हैं, यू कैन सी रूल नंबर वन इज वी यूज अ प्लूरल वर्ब व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय एन. वी यूज प्लूरल वर्ब व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय एंड. जैसे कि गणेश एंड गीता आर कजिन्स. डिसिप्लिन, हार्ड वर्क एंड फेथ इन वन सेल्फ गिव्स अस सक्सेस. टू वर्ब्स जब कनेक्टेड होते हैं, दैट इज व्हेन इट इज द प्लूरल वर्ब. सेकेंड इज टू सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड by or require a singular verb, that is the milkman or a gardener rings the doorbell first. If there are expressions like along with, as well as, besides or not following the subject, the verb always agrees with the subject only. जैसे कि सांगरिका अलॉन्ग विद द हर कजिन्स इज कमिंग टू आर हाउस दिस वीकेंड. ये फोर्थ रूल में क्या है? टू सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय आइदर और नाइदर नॉर रिक्वायर अ सिंगुलर सब्जेक्ट. जैसे कि आइदर मालती और सुबह हैज़ वोन इट. फिफ्थ में क्या है? सिंगुलर वर्ब्स आर यूज्ड फॉर द प्रोनाउंस ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, समवन एंड समबॉडी. सो ईच ऑफ अस इज अ ट्रेन्ड कुक. एवरीवन इज इनवाइटेड टू द प्रोग्राम. द लाइब्रेरियन गेट्स इरिटेटेड व्हेन समबॉडी टॉक्स. सिक्स्थ रूल क्या है? Some sentence begin with there or here. In this sentence, the subject comes after the verb. In such sentences, two, the verb agrees with the subject. Those are, here is a rabbit. Here are a few rabbits. What is seventh rule? When the subject is a collective noun like a team or a committee, we use singular or plural verbs based on the meaning we want to convey. So the team plays well. The team is treated as a single unit here. The team plays well. The team is treated as a single unit here. So question A is, choose the correct verb to complete each sentence. Choose the correct verb to complete each sentence. जैसे कि Arnab is a clever boy. These painters were the best known artist of Odisha.
both the sailors were drunk. The question B, बाकी का you have to write it down the answers, okay? Question B, correct and rewrite the following sentences if they are wrong. Either Amina or her brother has a black cat. So here there is no correction needed. Are there anyone here? Correction would be, is there anyone here? So ऐसे आपको correction करके जो wrong way में लिखा है उसे correct rewrite करना है, ठीक है? This will be your homework. Question C. Use given openings to write grammatical and meaningful sentences. That is your homework. You have to do by your own. Okay?